जिला कांगड़ा के मंदिरों में शिवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिरों में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अंगजर मंदिर में शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। प्रदेश में मंडी जिले के बाद शिवरात्रि का पर्व अंगजर महादेव मंदिर में बड़ी ही धूमधाम से मनाने के लिए जाना जाता है। गौरतलब है कि अंगजर महादेव मंदिर की मान्यता है कि द्वापर युग में पांडवों द्वारा अंगजर महादेव मंदिर की स्थापना की थी। अंगजर महादेव का अर्थ होता है पापों का नाश करने वाले महादेव। अंगजर महादेव मंदिर की यह भी मान्यता है कि यहां पर लगभग 500 वर्षों से निरंतर धूना जल रहा है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक धर्मशाला पहुंचते हैं। अंगजर महादेव मंदिर को अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर विकसित करने के लिए प्रयास किए गए थे, परंतु अभी तक यह योजना सिरे नहीं चढ़ सकी है। लोगों में अंगजर महादेव मंदिर के प्रति गहरी आस्था है और हर वर्ष यहां पर शिवरात्रि का पर्व उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहां पर शिवरात्रि का जो पर्व है वो अब तो बड़ी जगह शिवरात्रि मनाने लगे पड़े, नहीं तो हिमाचल में ये दूसरे स्थान पर यहां पर शिवरात्रि मनाई जाती थी। पहले पर मंडी में, दूसरे पर यहां पर। ये अंगजर महादेव है, सिद्धपीठ है, सिद्ध बाबा गंगावाती जी का स्थान है। यहाँ पर सदियों से यही परंपरा से जैसे गोटे का देखो गोटा बांटा जा रहा है लोगों को। द्वापर युग में पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम ऐसा हुआ कि अर्जुन जी अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए, उन्होंने नीचे शिव की उपासना की और शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें गुप्त अस्त्र दिया। उन्होंने गुप्तेश्वर के रूप में उनके दर्शन किए शिव के, और जाके उस अस्त्र का प्रयोग महाभारत के युद्ध में किया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो हिमालय जाते हुए अर्जुन के कहने पे सभी लोग गुप्तेश्वर के दर्शन करते हुए यहाँ से आए और उन्होंने यहाँ पर अघंजर महादेव की स्थापना की है। अघंजर महादेव का अघंजर का अर्थ होता है आग धनंजर, आग होता है पापंजर, होता है नष्ट हो जाना, पापों को नाश करने वाले महादेव है ये। पांडवों ने इस उद्देश्य से इनकी स्थापना की थी कि हमें अपने वंशजों को मारने से जो भी पाप लगा वो आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो जाए, ऐसे ऐसा उद्देश्य रखते हुए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तदनंतर मतलब युगांतर उथल पुथल में ये मिट गया जाहिर है, तो बाबा गंगा भारती जी ने आके इस स्थान को चेतन किया। बाबा गंगा भारती जी यहाँ पर बैठे हुए, उनको शिव ने दर्शन दिए। फिर वो एक बार राजा रणजीत सिंह जी यहाँ से शिकार के लिए जा रहे थे, बुध रोग से पीड़ित थे। इतफाक से वो पेट दर्द उनको यहाँ पे आके पड़ गया। उनको सामने बाबा जी दिखाई पड़े, वो चलाते हुए बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने अपने धुने से विभूति दी और उनका पेट दर्द खत्म हो गया। जब कई दिनों तक उन्हें पेट दर्द नहीं पड़ा तो उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि बाबा की विभूति से ही ऐसा हुआ है। वे द्वारा आए और बाबा जी को एक कीमती दुसाला उड़ा गए। बाबा जी ने वो दुसाला उसी समय उन्हीं के सामने धुने में डाल दिया। इससे राजा क्रोधित हो गया कि आपने मेरी दी हुई चीज़ का अनादर किया। तो राजा के मन का भाव जान के बाबा जी ने इसी धुने को चिमटा मारा और वैसे ही सैकड़ों दुसाले निकाल के फेंक दिए और कहा राजन अपना पहचानिए और ले जाइए। तभी राजा उनके चरणों में पड़ा और काफ़ी ज़्यादा भूमि इस मंदिर को दान की। आज भी कई लोग इस मंदिर की भूमि में रहते हैं, मंदिर की भूमि बीजते हैं, इसलिए द्वापर युग का मठ और इसीलिए प्रसिद्ध है। आज भी यहाँ पर कई समाधियाँ हैं। के चैनल के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट।